क्या आपको मालूम है कुछ बर्ड्स घंटों तक बगैर अपने पंख फड़फड़ाए आसमान में कैसे उड़ लेती है? और उड़ती नहीं है, ये ऊंचाई पर भी जाती है। पहले आप ये जान लो कि सभी बर्ड्स ऐसे नहीं उड़ सकती। जो बड़े पंख वाली बर्ड्स होती है जैसे ईगल और कुछ माइग्रेशन करने वाली बर्ड्स ऐसे उड़ सकती है, जिसमें एक अच्छा उदाहरण है इस कोंडोर का, जो कि लगातार 250 घंटे तक हवा में उड़ सकती है। और ये कोंडोर इन 250 घंटों में 99% टाइम ग्लाइडिंग करती है और मात्र 1% समय ही अपने पंखों को हिलाती है। ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े पंखों वाली बर्ड एल्बेट्रोस भी सिंगल फ्लाइट में 46 दिन तक उड़ सकती है। और ये बर्ड अपनी 60 से 70 साल की जिंदगी में ज्यादातर समय समुद्र की सतह पर उड़ती रहती है। ऐसा करने के लिए ये बर्ड एयर करंट्स का सहारा लेती है और बगैर पंख हिलाए ऊपर उड़ने के लिए ये पहले हॉट एयर पॉकेट ढूंढती है। आपको मालूम है गर्म हवा ऊपर उठती है, इसलिए इस हवा पर ग्लाइड करते हुए ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसे थर्मल सोरिंग कहते हैं। वैसे क्या आपको मालूम है पक्षियां वी शेप में क्यों उड़ती है? अगर हां तो नीचे कमेंट कीजिए।